Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject detail of NFTL, that is Network Filters and Transmission Lines. Last lecture mein hum logon ne discuss kiya tha about the circuits, that is your networks, symmetrical half section network, T और pi network को हम half section में कैसे divide कर सकते हैं, L section में कैसे divide कर सकते हैं, उनकी क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं और वो किस तरह से वो system work करता है, वो network कैसे चलता है, that we were discussing. और आज हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर इज ओवर विद दैट इज सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल टी एंड पाई नेटवर्क्स, जिसमें हम लोगों ने टी पाई एल लेटस ब्रिज एवरी नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया और उनकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर सेकंड चैप्टर. नो डाउट यहाँ पे थर्ड लिखा है बट इट इज योर सिलेबस का ये सेकेंड चैप्टर है, दैट इज अटेन्यूएटर्स. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अटेन्यूएटर्स क्या होते हैं. अटेन्यूएटर जो है इट इज़ नॉर्मली अ फोर टर्मिनल नेटवर्क. जो अटेन्यूएटर होता है फोर टर्मिनल यानी कि टू पोर्ट नेटवर्क होता है, जैसे कि हम लोग सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क्स की बात करते हैं उसी सेम तरीके से जो हमारा अटेन्यूएटर है वो भी एक फोर टर्मिनल यानी कि टू पोर्ट नेटवर्क है, जिसे हमने इंसर्ट किया होता है सोर्स और लोड के बीच में. ये अटेन्यूएटर जो है वो सोर्स नेटवर्क और लोड नेटवर्क के बीच में इंस्टॉल किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. इसे हम तब इंस्टॉल करते हैं जब हमने किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लॉस इंट्रोड्यूस करना होता है इन फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज. जब हमने उसको इंट्रोड्यूस करना होता है हमारे सर्किट में तो उस टाइम पे हम अटेन्यूएटर जो है उसे हमारे सर्किट के अंदर लगाते हैं टू इनकर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लॉस. देन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन, अटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए मतलब अटेन्यूएशन से होने वाली डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए, ऑल सोर्स फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी अटेन्यूएटेड टू द सेम डिग्री. तो अटेन्यूएशन से होने वाली डिस्टॉर्शन से अपने सर्किट को अपने नेटवर्क को बचाने के लिए ऑल सोर्स फ्रीक्वेंसीज जो हैं जितनी भी सोर्स साइड पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी जा रही हैं दे मस्ट बी अटेन्यूएटेड टू सेम डिग्री. तो उन सब में जो अटेन्यूएशन है वो सेम लेवल की होनी चाहिए एंड दस द नेटवर्क जनरली कंसिस्ट ऑफ प्योरली रेजिस्टिव कंपोनेंट्स. और इस वजह से ताकि वो सारी फ्रीक्वेंसीज में जितनी भी अटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन है वो सेम डिग्री की हो, तो इसलिए जो नेटवर्क है उसमें जनरली जो अटेन्यूएशन होती है इट इज प्योरली रेजिस्टिव कंपोनेंट्स की वजह से वो अटेन्यूएशन जो है वो होती है. इट रिप्रेजेंट्स एन अटेन्यूएटर इन द फॉर्म ऑफ अ टू पोर्ट और फोर टर्मिनल नेटवर्क, राइट. तो अब हम देखते हैं अटेन्यूएटर क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं अटेन्यूएटर के अंदर. सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें क्या है, VS यानी कि सोर्स वोल्टेज है, VR लोड वोल्टेज, IS सोर्स करंट, IR लोड करंट, देन PS दैट इज द पावर इनपुट, PR इज द पावर आउटपुट, Z1 इज द इनपुट इम्पिडेंस एंड Z2 इज द आउटपुट इम्पिडेंस. तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे यहाँ पे हो रही है, राइट. तो VS जो है हमारा सोर्स वोल्टेज है जो हम इनपुट पे दे रहे हैं, सोर्स एज अ वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं. देन लोड वोल्टेजेस जो यहाँ पे आउटपुट साइड पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, IS इज द सोर्स करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, दैट इज इन एम्पेयर्स, IR इज द लोड करंट जो सर्किट से आउटपुट साइड की तरफ फ्लो कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इन एम्पेयर्स, पावर इज द इनपुट पावर दैट इज VS इनटू IS व्हाट इज इन वॉट्स, वॉट्स, PR आउटपुट पावर VR इनटू IR दैट इज इन वॉट्स आल्सो, देन Z1 इज द इनपुट इंपेडेंस जो इनपुट साइड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज इन ओम्स, और Z2 इज द आउटपुट इंपेडेंस जो आउटपुट के लोड पे हमने कनेक्ट करी है. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द अटेन्यूएटर की सोर्स और लोड के बीच में जब हम एक नेटवर्क को इंसर्ट करते हैं जो नेटवर्क क्या कर सकता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो हमें दे सकता है, तो उसे हम कहते हैं अटेन्यूएटर जिसे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सर्किट के अंदर, राइट. देन आफ्टर इज व्हाट अटेन्यूएशन इज. अब अटेन्यूएटर तो हमें समझ में आ गया कि एक नेटवर्क है जिससे कि हम लॉस जनरेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लॉस जो हमें रिक्वायर्ड है ताकि हमारा जो सोर्स और लोड है उनके बीच में कंपैटिबिलिटी बनी रहे और पूरा का पूरा जो सिग्नल है वो प्रॉपरली आउटपुट साइड पे ट्रांसफर हो, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. तो अब अटेन्यूएशन क्या है, व्हाट इज अटेन्यूएशन,
पावर लॉस इन एनी नेटवर्क रिप्रेजेंट्स द अटेन्युएशन. जो नेटवर्क अटेन्युएशन प्रोवाइड करता है वो अटेन्युएटर कहलाता है, और जो इस अटेन्युएटर नेटवर्क के अंदर जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं अटेन्युएशन. एंड इट इज कन्वेंशनल टू एक्सप्रेस अटेन्युएशन इन टर्म्स ऑफ नेपर्स और डेसिबल्स. तो अटेन्युएशन जो है उसे हम नेपर्स या डेसिबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन द अटेन्युएशन इज डिफाइंड बाय द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू द आउटपुट पावर. तो अगर हमने अटेन्युएशन को डिफाइन करना है तो वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्क्वायर रूट रेशियो ऑफ इनपुट पावर दैट इज पी एस टू द आउटपुट पावर दैट इज पी आर. तो पी एस बाय पी आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन बींग द अटेन्युएशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एन इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ पी एस बाय पी आर एंड दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आई आर स्क्वायर आर, राइट. That is because in a resistive network the power loss is given by I square R. तो हमारे पास दो ही जो power जो currents हैं वो हमारे पास दो ही currents हैं, एक source current है और एक load current है. तो IS by IR. तो जो attenuation है that can be given by IS by IR. या फिर attenuation को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, that is VS by VR. Because IS इंटू आर अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हम आई एस बाय आई आर को आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आई एस इंटू आर डिवाइडेड बाय आई आर इंटू आर बनेगा, और आई एस इंटू आर इज इक्वल्स टू वी एस एंड आई आर इंटू आर इज इक्वल्स टू वी आर. तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. दस द अटेन्युएशन कैन ऑल्सो बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द इनपुट टू आउटपुट करंट और वोल्टेज. किसी भी तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली जो एन है जिसको आगे डिफाइन किया गया है, इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ अटेन्युएशन. तो ये क्या बताता है, लेवल ऑफ अटेन्युएशन कितना है. तो इसे हम डेसिबल्स में या नेपर्स में दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर हम इसे डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल्स टू डी यानी कि अटेन्युएशन दैट इज इक्वल्स टू 10 लॉग बेस 10 ऑफ पी एस बाय पी आर, या 10 log base 10 of IS by IR whole square, या 20 log base 10 of IS by IR. तो दोनों तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स, राइट. और अगर हम IS by IR की जगह पे VS by VR लिख दें जो कि वन एंड द सेम थिंग है, तो उससे भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो चाहे हम लिखें अटेन्युएशन इज इक्वल्स टू 20 log base 10 of IS by IR, या हम लिखें इट इज इक्वल्स टू 20 लॉग बेस 10 ऑफ वी एस बाय वी आर. तो दोनों तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट आर अटेन्युएशन, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें एन इज इक्वल फॉर आई एस बाय आई आर और वी एस बाय वी आर, अगर इनकी वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो एन की वैल्यू जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ डी बाय 20 यानी कि लॉग बेस 10 ऑफ वी एस बाय वी आर इज इक्वल्स टू एन, राइट. तो एंटी लॉग से या वी एस बाई वी आर या आई एस बाई आई आर इज इक्वल्स टू एन, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था दैट एन इज इक्वल्स टू आई एस बाई आई आर और एन इज इक्वल्स टू वी एस बाई वी आर. और अगर हम वी एस बाई वी आर की जगह पे एन लिख दें इस इक्वेशन के अंदर अगर हम यहाँ पे एन लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, 20 लॉग बेस 10 एन इज इक्वल्स टू डी, राइट. तो अगर हमने एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है तो वो क्या बन जाएगी, 20 इसके डिवीजन में चला जाएगा, लॉग अगर इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो n विल बी इक्वल टू एंटी लॉग d बाय 20. सो दिस विल बी द अटेन्युएशन, राइट. तो अगर हम वो नेपर्स में थी एंड नाउ दिस इज इन डेसिबल्स, तो अगर हमने रिलेशनशिप देखना हो बिटवीन डेसिबल्स एंड नेपर्स तो वो क्या चीज होगी, d इज इक्वल टू 20 लॉग बेस 10 ऑफ n एंड इट इज इक्वल टू 20 लॉग बेस 10 ऑफ n इनटू 10 log base 10 of e. अगर इसके साथ हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें तो समथिंग द वैल्यू विल बी 8.686 log base e यानी कि नेचुरल log of n. सो अटेन्युएशन इन नेपर्स इज गिवन बाय log base e यानी कि नेचुरल log of n एंड द रिलेशन इज इक्वल्स टू अटेन्युएशन इन db इज इक्वल्स टू 8.686 इनटू अटेन्युएशन इन नेपर्स, या फिर हम लिख सकते हैं अटेन्युएशन इन नेपर्स इज इक्वल्स टू 0.1151 into attenuation in dB. So that means कि अगर आप लोगों को attenuation in neighbors या attenuation in dBs given हो तो उसके साथ हम लोग calculate कर सकते हैं इस चीज़ को attenuation
इन डीबीज को और डेनोवेशन इन नेपर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर एक साइड पे हमें गिवन हो तो हम दूसरी जो टाइप की अटेनुएशन है वी कैन कैलकुलेट दैट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज दिस इज दीज आर द सर्किट्स, अटेनुएटर सर्किट्स. तो जैसे हम सिमेट्रिकल टी और पाई नेटवर्क्स की हम लोग बात कर रहे थे पहले, राइट? तो यहाँ पे क्या चीज़ है, सिमेट्रिकल टी और पाई नेटवर्क्स की जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या लगाए थे, Z1, Z2, Z3, इस तरह से हम लोग यूज़ करते थे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असिमेट्रिकल टी सेक्शन अटेनुएटर. अटेनुएटर्स में हमारे पास क्या होंगे, रेजिस्टेंस वैल्यूज होंगे. तो अगर असिमेट्रिकल टी सेक्शन होगा तो R1 इस साइड पे, R2 इस साइड पे और R3 इस साइड के ऊपर होगा, राइट? तो मतलब तभी ये क्या बनेगा, असिमेट्रिकल नेटवर्क. और अगर हमने इसको सिमेट्रिकल नेटवर्क बनाना हो तो R1 दोनों साइड्स की जो अटेनुएशन वैल्यूज होंगी, जो दोनों साइड की रेजिस्टेंस वैल्यूज होंगी वो सेम होगी और ये वाली डिफरेंट होगी. तो ये एक सिमेट्रिकल टी अटेनुएटर बन जाएगा. तो जिस ये चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है हमेशा कि जब भी जिस भी चीज़ को, जिस भी नेटवर्क को आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके अंदर अगर इम्पिडेंसेस बनी हैं तो वो नेटवर्क है, अगर उसके अंदर रेजिस्टेंसेस बनी हैं तो वो अटेनुएटर है. दिस यू हैव टू रिमेम्बर, राइट? देन एल सेक्शन में R1 इधर, R2 इस साइड के ऊपर. ऐसे ही ब्रिज टी सेक्शन में जो तरीका है उसे बनाने का, जो स्ट्रक्चर है आपके नेटवर्क का, वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन उसमें जो इम्पिडेंसेज हैं उन्हें अगर हम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तो वो हमारे, वो नेटवर्क जो है वो हमारे लिए अटेनुएटर बन जाएगा. दिस इज असिमेट्रिकल ब्रिज्ड टी अटेनुएटर. R1, R2, R3, RA या R4 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. इसी तरीके से लैटिस नेटवर्क जो है, तो लैटिस नेटवर्क के अंदर भी ये 2 पोर्ट या 4 टर्मिनल नेटवर्क है. यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस चीज को, राइट? तो यहाँ पे लिखा हुआ है RS1, दिस इज R, पैर में S1, यहाँ पे दिस इज RS2, राइट? यहाँ पे इट इज RD1, ये भी रेजिस्टेंस ही है, इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस ही बनी हुई है यहाँ पे, राइट? एंड दिस वन इज RD2, राइट? सो दिस इज सीरीज रेजिस्टेंसेज हैं, तो S1 और RS1 और RS2 नाम दे दिया. जो डायगोनल रेजिस्टेंसेज हैं उन्हें RD1 और RD2 नाम जो है वो दे दिया. ये इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है. तो ये था असिमेट्रिकल लैटिस अटेनुएटर नेटवर्क, राइट? तो अब यहाँ पे पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क में भी R1, R2, R3, ये भी असिमेट्रिकल. तो ये सारे जो नेटवर्क्स हैं दीज आर ऑल असिमेट्रिकल नेटवर्क्स, राइट? I wish it is clear, right? तो हम आगे बढ़ते हैं. Next is the classification of attenuators. So attenuators कितनी type के हैं? अभी हमने देखा कि attenuators क्या होते हैं. Decibels में उसको represent कर सकते हैं, neighbors में represent कर सकते हैं. अगर decibel to neighbor या neighbor to decibel हमें convert करना हो तो उसके लिए हमने formula देख लिया. Networks जो attenuator networks हैं वो कितने types के हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि asymmetrical हैं या symmetrical हैं. किसी भी type के attenuator networks जो हैं वो हो सकते हैं, right? तो अब हम इसको थ्योरी में पढ़ते हैं अटेनुएटर्स जो है वो किस तरह के हैं. तो अटेनुएटर्स में भी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल अटेनुएटर्स. तो सिमेट्रिकल अटेनुएटर्स में क्या चीज होगी, रेजिस्टिव नेटवर्क होगा दैट विल बी इंस्टॉल्ड बिटवीन सोर्स एंड लोड हैविंग इक्वल इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस. तो सिमेट्रिकल अटेनुएटर जो है वो कैसा होगा कि जिसमें जो रेजिस्टिव नेटवर्क है जब उसे सोर्स और लोड के बीच में लगाया जाएगा तो उसकी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम होगी. जैसे कि हमने अभी देखा कि R1, R2, R3 अगर हम टी नेटवर्क की बात कर रहे हैं या किसी भी नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो अगर 3 रेजिस्टेंसेज लगी हैं तो तीनों रेजिस्टेंसेज डिफरेंट हैं तो वो असिमेट्रिकल नेटवर्क है. अगर इनपुट साइड और आउटपुट साइड की रेजिस्टेंस जो है वो सेम होगी तो वो सिमेट्रिकल अटेनुएटर जो है वो बनेगा. तो असिमेट्रिकल में रेजिस्टिव नेटवर्क जो हमने इंस्टॉल किया है हैविंग अनइक्वल इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस तो वो होगी हमारी असिमेट्रिकल अटेनुएटर, राइट? तो यूजुअली हम जो अटेनुएटर्स इसके अंदर यूज करते हैं दे आर यूजुअली टी टाइप, पाई टाइप, ब्रिज टी टाइप या लैटिस कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोगों ने देखी. लैटिस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम क्रॉस कनेक्शन लगाते हैं अपने इम्पिडेंसेस का या रेजिस्टेंसेस का. अगर अटेनुएटर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंसेस, अगर हम लोग नॉर्मल नेटवर्क की बात करें तो उसमें इम्पिडेंसेस आएंगे, ठीक है? तो उसे हम लैटिस नेटवर्क बोलते हैं. देन असिमेट्रिकल अटेनुएशन जो है उसके अंदर एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन
भी हो सकती है। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों में टी, पाई, ब्रिज टी और लैटिस हो सकती हैं, लेकिन जो एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा असिमेट्रिकल ही रहेगी, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है कि उसमें सिर्फ दो रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, तो उसको हम सेम नहीं रख सकते हैं। उसको सेम रख भी सकते हैं बट वो एज अ वर्क नहीं करेगा, तो उसको डिफरेंट रख के हम अटेन्यूएटर की तरह उसको यूज कर सकते हैं, राइट। देन इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स क्या होगा, टी टाइप अटेन्यूएटर में आर वन इज इक्वल्स टू आर टू हो जाएगा इन सिमेट्रिकल टी टाइप अटेन्यूएटर। अगर पाई टाइप सिमेट्रिकल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो आर टू और आर थ्री हैं वो सेम हो जाएंगे, तो वो सिमेट्रिकल सेक्शन बन जाएगा, राइट। देन असिमेट्रिकल नेटवर्क में से अगर हम उसको हटा दें, राइट, तो ऐसे ही जब सिमेट्रिकल ब्रिज टी सेक्शन की बात करें तो उसमें आर वन इज इक्वल्स टू आर टू कर देंगे, तो दैट मीन्स कि अगर आर एस वन और आर एस टू लैटिस सेक्शन की अगर बात करें हम, असिमेट्रिकल हम लोगों ने देख लिया, सिमेट्रिकल सेक्शन में क्या होगा, जैसे हमने किया था आर एस वन आर एस टू आर डी वन आर डी टू ऐसे बनाया था, तो अगर आर एस वन और आर एस टू की वैल्यू सेम हो जाए और आर डी वन और आर डी टू की वैल्यू सेम हो जाए तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, सिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स जो हैं वो बन जाएंगे। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ अटेन्यूएटर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पावर रिड्यूसिंग, रिडक्शन ऑफ द पावर की क्यों जरूरत है, हम तो हमेशा पावर को बढ़ाने की बात करते हैं, राइट, तो अब रिडक्शन की क्या जरूरत पड़ गई, तो अब हम ये देखते हैं कि क्यों अटेन्यूएटर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि अटेन्यूएटर का काम तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू को कम करना है, तो हम सोर्स और लोड के बीच में ऐसा सर्किट इंट्रोड्यूस ही क्यों करें कि जिसकी वजह से हमें उसको रिड्यूस करना पड़े, उसकी पावर को कम करना पड़े। तो द रेजिस्टिव अटेन्यूएटर जो है दे मे बी यूज्ड फॉर मैचिंग बिटवीन सर्किट्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टिव इम्पिडेंसेस, तो इसका मेन जरूरत इसकी क्या है, मेन यूज क्या है, अटेन्यूएटर को क्यों यूटिलाइज करते हैं, क्यों लगाया जाता है इसे सोर्स और लोड के बीच में, क्योंकि जो एक रेजिस्टिव अटेन्यूएटर है उसे हम यूज कर सकते हैं एज अ मैचिंग सर्किट बिटवीन द डिफरेंट रेजिस्टिव इम्पिडेंसेज ऑफ सोर्स एंड द लोड, या दो अलग अलग सर्किट्स को आपस में अगर हम मैचिंग करवाना चाहते हैं तो इम्पिडेंस मैचिंग के लिए उन दोनों के बीच में रेजिस्टिव इम्पिडेंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनको मैच करवाने के लिए हम बीच में एक रेजिस्टिव अटेन्यूएटर सर्किट जो है उसको लगा सकते हैं। सो दीज नेटवर्क्स में देयर फॉर बी यूज इन प्लेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, तो एक रेजिस्टेंसेस के नेटवर्क को हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर को रिप्लेस करने के लिए, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, साइज इफेक्टिव भी होगा, तो इस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक तो हो गए फिक्स्ड अटेन्यूएटर्स, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल अटेन्यूएटर्स, तो जो वेरिएबल अटेन्यूएटर्स हैं उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरीज में फॉर ऑब्टेनिंग स्मॉल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, तो टेस्टिंग करने के लिए वोल्टेज और करंट को टेस्ट करने के लिए भी, या स्मॉल वैल्यूज उनको ऑब्टेन की हुई स्मॉल वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए भी हम वेरिएबल अटेन्यूएटर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हम कम्युनिकेशन रिसीवर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर भी वेरिएबल अटेन्यूएटर्स यूज हो सकते हैं। वेरिएबल अटेन्यूएटर्स का क्या मतलब है, जैसे उसमें हम सिंपल जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस है उनकी जगह पे अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि पोटेंशियोमीटर को लगा दें, तो वो पोटेंशियोमीटर से हम क्या करेंगे, उसकी नॉब को मूव करके वेरी करके उसके बाद उसकी वैल्यूज को जो है हम वेरी कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ें हम वेरिएबल अटेन्यूएटर की हेल्प से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो वेरिएबल चीज़ें जो है वो उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिशन, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें जो रेजिस्टिव अटेन्यूएटर्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं एज अ मूवेबल वेन अटेन्यूएटर या फ्लैप अटेन्यूएटर की तरह, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अगर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी रेजिस्टिव अटेन्यूएटर्स को हम यूज कर सकते हैं। देन दे अटेन्यूएटर्स आर आल्सो यूज्ड टू एनहांस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, तो किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट है उसके मैग्नीट्यूड इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम एक सर्किट की या एक नेटवर्क की बात करते हैं तो उसकी इनपुट इम्पिडेंस हाई और आउटपुट इम्पिडेंस लो होनी चाहिए, तो वहाँ पर अगर हम लोग अटेन्यूएटर्स को यूज़ करते हैं तो उससे उसकी इनपुट इम्पिडेंस के मैग्नीट्यूड को इनक्रीज़ करने में वेरिएबल अटेन्यूएटर्स जो है वो हमारी हेल्प कर
कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी इक्विपमेंट को जिसे हम किसी और सर्किट के साथ लगाना चाहते हैं या किसी और इक्विपमेंट के साथ उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन दोनों की इम्पीडेंस को मैच करने के लिए बीच में वेरिएबल अटेन्यूएटर्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। देन आफ्टर टी एंड पाई टाइप अटेन्यूएटर्स जो है वो वाइडली यूज़ होते हैं इन सिग्नल जनरेटर्स के अंदर, जो हम सिग्नल जनरेटर्स और लोड के बीच में जिनको लगाया जाता है, सो दैट देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लोड टू द सिग्नल जनरेटर, वहाँ से कोई भी बैक सिग्नल जो है वो ना आए। लोड की तरफ से अगर कोई नेगेटिव सिग्नल आ रहा है तो वो सिग्नल जनरेटर की इनपुट को ख़राब ना कर पाए, क्योंकि हम सिग्नल जनरेटर्स जनरली यूज़ करते हैं तो उसको हम अपनी सर्किट किट के साथ कनेक्ट करते हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और अगर उस किट में बाय चांस कोई फॉल्ट हो या कोई इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हो उसके अंदर, और वो सिग्नल जब हम उसके कनेक्ट करें तो वो डायरेक्टली सिग्नल जनरेटर को अगर बैक जो है वो पंप करता है उस सिग्नल को, या कोई नेगेटिव सिग्नल उसको सिग्नल जनरेटर को भेज देता है, तो वो सिग्नल जनरेटर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए सिग्नल जनरेटर और लोड के बीच में एक छोटा सा नेटवर्क जिसे कि हम एटेन्यूएटर बोलते हैं, टी टाइप का या पाई टाइप का, उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं सिग्नल जनरेटर और लोड के बीच में, ताकि लोड से कोई भी नेगेटिव सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो सिग्नल जनरेटर के अंदर। सो द यूज़ ऑफ असिमेट्रिकल अटेन्यूएटर जो है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉर द परफेक्ट मैचिंग ऑफ इम्पीडेंसेस। तो हमने सिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, जबकि असिमेट्रिकल नेटवर्क्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। क्यों? क्योंकि जनरली जो इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो असिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स करते हैं। सिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स भी हैं, उनका अलग यूज़ है, लेकिन इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जब हम अटेन्यूएटर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें हम असिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस में डिफरेंस होता है। तो अगर हमारी इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट के बीच में फ़र्क होगा तभी हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी हम लोग उसे जो है वो एग्जैक्टली क्या आउटपुट आ रही है उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे और मैचिंग करने में हमें हेल्प मिलेगी। अगर इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंसेस हमारी नेटवर्क की अटेन्यूएटर की अलग अलग होगी तभी वो मैचिंग करने में हेल्प कर पाएगा, राइट? सो दिस वाज द बेसिक ऑफ अटेन्यूएटर्स। द बेसिकली अटेन्यूएटर्स क्या हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं और उनका बेसिक यूज़ क्या है, क्यों हम उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इसकी एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि सिमेट्रिकल जो अटेन्यूएटर्स हैं और असिमेट्रिकल अटेन्यूएटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कैसे हम लोगों ने उसके सर्किट को जो है वो फाइंड आउट करना है कि वो वर्क कैसे करेगा, राइट? दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई विश द टुडेज लेक्चर इज़ क्लियर टू यू ऑल। इफ स्टिल देर विल बी एनी डाउट्स, वी विल बी टेकिंग देम लेटर ऑन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।